अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और आप लोगों को ये बताना था कि अब जो है हानिया थोड़ा सा बिज़ी हो गई है स्टडी में, तो इसलिए मैं स्टार्ट करूँगी, मैं ही ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँगी। हानिया जो है वो स्टडी में बिज़ी हैं। और दूसरी बात ये कि मैं उठ गई थी, लेट उठी हूँ, बच्चे आने वाले हैं, लंच देना उनको, जोहर की नमाज़ मैंने पढ़ ली है। अम्मी अब्बू आज याद आ रहे थे, काफ़ी दिन हो गए मैं घर नहीं गई, तो मैं कोशिश करती हूँ सारे काम जल्दी कर लूँ, खाना बना लूँ, अपनी सास को जो है वो खाना वगैरह देख के फ्री हो जाऊँ, तो फिर मैं आज जाऊँगी अम्मी अब्बू के घर। और बच्चों को जो है स्टडी करनी है, उनका ट्यूशन है, सिपाह है, तो इसलिए बच्चे नहीं जाएंगे, मैं ही जाऊंगी। तो देखते हैं अब हमारा काम कब ख़त्म होता है, फिर मैं निकलती हूँ। जी फ्रेंड्स, मैंने अभी अपनी सास से पूछा है, उन्होंने जो है करेले कीमा की फरमाइश की है, करेले कीमा मैं बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे बनाने हैं। उन्हीं की रेसिपी से मैं बनाऊंगी क्योंकि वो अपने ही तरीके का खाना पसंद करती हैं, तो मैं बनाती हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगी वीडियो कैसे बनाती हूँ। जी तो मैंने ये प्याज थोड़ी सी कच्ची पक्की फ्राई की है और फिर मैं दोबारा मसाला बनाऊंगी, उसके लिए ये प्याज है, हाफ के जी मैंने कीमा लिया है और ये 1 टेबल स्पून मैंने नमक, हल्दी, ज़ीरा, कुटी हुई मिर्च, पिसा हुआ धनिया, कलौंजी। ठीक है, अब मैं बनाऊंगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। पैन जो है रखा है, इसमें प्याज फ्राई की थी, इसके अंदर जो है मैं करेले फ्राई करूँगी। जी तो मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि इसमें 3 से 4 टमाटर मैंने काट के रखें, अभी वो नहीं काटे थे, पहले आपको दिखाया था जो सामान। फिर अदरक लहसुन मैंने ज़्यादा लिया है क्योंकि कीमे में स्मेल रह जाती है इसलिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैंने ये फ्राई कर लिए, इनको फ्राई करके ना करेलों को साइड पे रख दिया। अब प्याज ब्राउन करके, लाइट ब्राउन करके फिर मैं इसका मसाला बनाऊँगी जिसमें जाएगा अदरक लहसुन, टमाटर, ये सारे मसाले, कीमा, फिर इसको भून के सबसे एंड में आप करेले डालेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ। जी तो बताना ये था कि बच्चे स्कूल से आने वाले थे तो राइस बना चुकी थी मैं बच्चों के लिए, लेकिन ये दादी, उनकी बच्चों की दादी की फरमाइश थी इसलिए ये बनाया है मैंने। कीमा भुन चुका है, बस काफ़ी एंड है बस भुनने में ना, तो अब ये एंड में मैं करेले इसके अंदर डाल दूँगी, ये लास्ट है, और फिर हम थोड़ी सी जो है प्याज डाल देंगे जो मैंने फ्राई की थी। जी मैंने बना लिया है खाना और परमिशन भी ले लिया है अपनी सास से, अरसलान से पूछ लिया है कि मैं घर जा रही हूँ आज, बच्चों का सारा काम भी हुआ हुआ है, कपड़े भी प्रेस हैं, बच्चे शावर ख़ुद ले लेंगे, मैं बस थोड़ी देर में निकल रही हूँ। मैंने ड्राइवर को कॉल किए, उन्होंने 10-15 मिनट का टाइम दिया है, फिर मैं नीचे जाऊँगी और फिर मैं जाती हूँ अम्मी अब्बू के घर। फ्रेंड्स, मैं अम्मी के घर आ चुकी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हानिया नहीं आए, हसन हानिया का स्कूल था, ट्यूशन था, तो मैंने सोचा मैं चली जाऊँ अम्मी अब्बू से मिलने, बहुत दिल कर रहा था मेरा, तो मैं आज मिलवाऊँगी आपको अपने अम्मी अब्बू से। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, मैं घर एंटर हुई हूँ तो मुझे पता चला है कि अम्मी का और भाभी का, इन लोगों का रोज़ा है, तो अब देखते हैं अफ्तारी में क्या होगा, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, अभी अभी भाभी ने मुझे बताया मेरी फेवरेट डिश अब्बू ने बनाई है, उसका नाम है छोले भटूरे, मुझे बहुत पसंद है, तो वो मिलेगी हमें अफ्तारी में खाने के लिए। अब देखते हैं कि वो कैसे बने हैं और अफ्तारी में क्या क्या मिलेगा, तो
तो फिर मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी हो गई हमारी अम्मी अब्बू के साथ, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। सर में बहुत दर्द हो रहा है तो मैंने भाभी को बोला मुझे चाय दे दें थोड़ी सी, तो थैंक यू भाभी आपने चाय दी। ये सबसे बड़ी भाभी हैं जो चाय बना के लाई हैं, अरूबा नाम है, अरूबा भाभी हमारी, थैंक यू अरूबा। वेलकम सलामा जी। जी मैंने चाय पी ली, अल्लाह का शुक्र है, बहुत मज़े की चाय थी। अब इन सब का प्लान है कि थोड़ा सा लूडो खेला जाए, अब हम लूडो खेल रहे हैं, फिर मैं बताती हूँ कौन जीता कौन हारा, और जो हारेगा वो कोल्ड ड्रिंक पिलाएगा। जी तो हम खेल चुके हैं लूडो, अब बताएंगे फरीद के कौन जीता है कौन हारा है। फरीद कौन जीता है? आप ही। और कौन हारा है? मैं। क्या पिलाओगे? जो आप बोले। आप कोल्ड ड्रिंक की बात हुई थी, कोल्ड ड्रिंक ही पिला दो। अम्मी ये उठ नहीं रहा, ये जा नहीं रहा, आप बोल दें, अम्मी फरीद से बोल दें कोल्ड ड्रिंक ला दे। ला दो फरीद, ला दो। जाओ फरीद कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। अब मैं जीत चुकी हूँ और फरीद हार चुके हैं, इसलिए फरीद हमें कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे कैसी लाई है कोल्ड ड्रिंक। जी काफ़ी देर हो गई फरीद को गए हुए, अभी तक कोल्ड ड्रिंक नहीं आई, पता नहीं कहाँ चला गया फरीद कोल्ड ड्रिंक लेने। देखो मुस्कान आया नहीं फरीद। ये लो। थैंक यू फरीद। फरीद कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गया, अपनी बात पर कायम रहा, पहले हारा है मुझसे और फिर कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। कोल्ड ड्रिंक पिलाने की वजह से आ रहा हूँ। ओह बोलना दोबारा। कोल्ड ड्रिंक पिलाने की वजह से आ रहा हूँ, मिलते नहीं है ना। मतलब ये हुआ कि वो मैं जीतती या हारती कोल्ड ड्रिंक तो मुझे मिलती। चलो मैंने कहा जीत के पीती हूँ खुशी से, तो चलें कोल्ड ड्रिंक पीते हैं अब। जी तो फ्रेंड्स मैं घर आ गई हूँ, बच्चों को खाना दिया, नमाज़ पढ़ी, अरसलान को खाना दिया, अब सारे कामों से फ्री हो गई हूँ। बच्चों का सुबह स्कूल है, जल्दी उठना है, तो मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।